दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अब सभी ट्रेनों को चालू किया जाएगा। जितने भी यात्री ट्रेन हैं, मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर शहर में फंसे हुए हैं उन लोगों को अब घर पे बुलाया जाएगा, और आज से ही 30 पैसेंजर ट्रेन चलाने का आदेश दे दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलाई जा रही है और कौन कौन से लोग इसमें सफर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सफर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और इसका नियम और कानून जान लेना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो रेलवे में सफर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने रविवार को जानकारी दी है कि 12 मई से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी प्रवासी मजदूर शहर में फंसे हुए हैं अब अपने घर पे आ सकते हैं। रेलवे ने कहा कि एक ही बार में सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किया जाएगा। जितनी भी ट्रेनें चलाई जाने वाली है, 30 ट्रेनें जो चलाई जाने वाली है, धीरे धीरे इन सभी ट्रेनों का संख्या को बढ़ाया जाएगा, यानी दिन प्रतिदिन 40-50 ऐसे बढ़ते ही जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार से शाम 4 बजे से रेलवे की वेबसाइट पर आपको टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है, आप वहां से जाकर आप अपना टिकट बुक करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर इसमें आप सफर करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। रेलवे ने बताया कि रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर अभी भी बंद रहेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं जारी किया जाएगा। सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC से टिकटों की बुकिंग शुरू की जा चुकी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने मंगलवार के जिन ट्रेनों को परिचालन शुरू करने का फैसला किया है वो सभी राजधानी ट्रेनें होंगी। सभी ट्रेनों में मिडिल बर्थ की बुकिंग नहीं की जाएगी। जिन पैसेंजर्स के पास वैलिड और कंफर्म टिकट होगा उन्हें रेलवे स्टेशन पर जाने की अनुमति दी जाएगी। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलने वाली है और किस जगह से चलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि 12 मई को सबसे 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाने वाली है, जो राजधानी दिल्ली से प्रस्थान करेगी। ये ट्रेनें दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मंडवाई, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए प्रस्थान करेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए 20,000 कोच को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि अगर आप रेलवे में यात्रा करेंगे तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, मेडिकल की भी सुविधा आपको 100% मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगा, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि आने वाली खबरों से आप हमेशा अपडेट रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।